तुम्हारा शरीर दिन भर ऊर्जावान तभी रहेगा जब रात को सोते समय क्या करना है, ये तुम्हें पता हो। वही आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है और फिर हम जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम नींद के लिए गोलियां तक लेने लगते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए। कभी कभी तो मनुष्य ऐसी गंदी आदतें अपना लेता है कि जब तक वह नहीं करेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। जैसे किसी को धूम्रपान किए बिना नींद नहीं आती, कोई शराब का सेवन करने लग जाता है ताकि उसे नींद आ जाए, कुछ लोग तंबाकू चबाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी यही आदतें इन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब तक यह लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते तब तक यह बहुत बेचैन लेते हैं, जबकि हम सभी को पता है कि इन चीजों से नींद नहीं आती, बस हमें कुछ देर के लिए इनका नशा हो जाता है और हम इनके आदि हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीजें हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देती हैं। और जब हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, हम पूरे दिन बेचैन और थके थके रहते हैं, हमें दिन भर आलस आता रहता है। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आती है। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यवसाय दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे और उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब भी वह सेठ अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता तो उसे नींद ही नहीं आती थी। वो रात भर करवटें बदलता रहता, बहुत कोशिश करता, लेकिन कुछ पल के बाद उसे नींद तो आ जाती लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती और सुबह जल्दी ही वो उठ जाता था। वो सेठ इस चीज से बहुत परेशान रहता कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आती, दिन भर काम करने के बाद भी वह ठीक से क्यों नहीं सो पाता। जब उस सेठ ने किसी से इसके बारे में पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, तो सेठ को किसी ने कह दिया कि सेठ जी, सोने से पहले मदिरा पान कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। वैसे तो वो सेठ शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन अच्छी और चैन की नींद पाने के लिए सेठ ने शराब पीनी शुरू कर दी। जब वो सेठ शराब पीता तो कुछ देर तक तो उसे उसका नशा रहता, पर जैसे ही शराब का नशा उतरता उसकी नींद खुल जाती। अब तो सेठ रोज ऐसा करने लग गया। सेठ को लगने लगता कि शराब पीने की वजह से वो सो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सेठ को शराब की लत लग जाती है। अब वो और भी ज्यादा बेचैन रहने लग गया। अब जब तक वो शराब नहीं पिएगा उसे नींद ही नहीं आएगी। धीरे धीरे वो दिन में भी शराब पीने लग गया, जिसका असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। अब तो वो पहले से भी ज्यादा बेचैन रहता, अब तो उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे उस सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा, जिससे वो तनावपूर्ण जीवन जीने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में ही गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुनकर वह सेठ उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस सेठ को पता था कि गौतम बुद्ध अवश्य ही उसकी समस्या का समाधान बता देंगे। वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। उस समय बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो वह सेठ भी उनके उपदेश सुनता है। वह उपदेश खत्म होने के पश्चात वो सेठ बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे पास बहुत धन दौलत थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कभी चैन की नींद नहीं ले पाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। तभी किसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं शराब का सेवन करूं तो मुझे अच्छी नींद आएगी, लेकिन मैं शराब का अधीन हो गया। मुझे कुछ पल के लिए तो नींद आ जाती पर मैं फिर से उठ जाता। मैं और भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। शराब पीने के कारण और ठीक से नींद नहीं लेने की वजह से मैं बहुत बेचैन रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिस वजह से मेरा व्यवसाय भी अब घाटे में जा रहा है। हे बुद्ध, आप ही मुझे इन सबसे बाहर निकालो। आप मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। उस सेठ की पूरी बात गौतम बुद्ध बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सुनने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। यह सुनकर सेठ कहता है कि बुद्ध, मुझे आप जल्दी बताइए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे मुझे ठीक से नींद नहीं आ पाती है। तब गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं कि
मैं तुम्हें 7 मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। जिनमें से पहला मुख्य कारण है तुम्हारे सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर हमारा अवचेतन मन जाग जाता है और फिर पूरी रात हमारे मन में वो विचार चलते रहते हैं, और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए हम सोने के पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हम उठते भी नकारात्मक विचारों के साथ ही हैं, जिससे हम थका थका और कमजोर महसूस करते हैं। और वही अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हमारे मन में पूरी रात सकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं, जिससे जब हम उठते हैं तो हम सकारात्मक विचारों के साथ ही उठते हैं, जिससे हमें थकानी होती है, हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले सारे विचार ही खत्म कर दे तो हम अच्छे से गहरी नींद ले सकते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता है तो हमें गहरी नींद आती है, हम चैन से सो पाते हैं। विचारों को शांत करने के लिए हम सोने से पहले ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे कि सारे विचार खत्म हो जाएंगे और हम अच्छी तरीके से सो पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारा निश्चित समय पर नहीं सोना। हम क्या करते हैं कि देर रात तक जागते रहते हैं, अलग ही विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी हम बहुत जल्दी सो जाते हैं तो कभी हम बहुत लेट सोते हैं। इसीलिए हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं धीरे धीरे हमारा मन भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है, और फिर जब आपका सोने का समय होता है तो आपको अपने आप ही नींद आना शुरू हो जाती है। गहरी नींद नहीं आने का तीसरा कारण है कि हम बिस्तर पर बहुत सारे कार्य करते हैं, जबकि बिस्तर सिर्फ हमारे सोने के लिए होता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, खाना भी बिस्तर पर ही खाते हो, तुम अपने व्यवसाय का काम भी बिस्तर पर ही करते हो, बिस्तर पर बैठकर ही तुम लोग आपस में बातें करते हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि बिस्तर तुम्हारे सोने के लिए है तो तुम उस पर अन्य कार्य क्यों करते हो? बिस्तर तो सदैव सोने के लिए ही होता है। हमें बिस्तर पर तभी आना चाहिए जब हमें सोना हो, ताकि हमारे मन को यह पता चल सके कि अब बस हमें सोना है। लेकिन तुम तो उस बिस्तर पर विभिन्न कार्य करते रहते हो, जिससे तुम्हारा मन इस उलझन में रहता है कि अब तुम क्या करोगे। इसीलिए सदैव बिस्तर पर हमें तभी जाना चाहिए जब हमारा पूरा काम हो जाए और हमें सिर्फ सोना हो। तभी हमारे मन को यह निश्चित पता चल पाता है कि अब हम बिस्तर पर आ गए हैं और अब हम सोएंगे, तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। गौतम बुद्ध नींद लाने का चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत तरीके से सोना। हम लोगों को सोने का सही तरीका ही पता नहीं होता है, हम तो कैसे भी सो जाते हैं, कभी उलटे तो कभी सीधे, कभी गुटमुट होकर तो कभी हम हाथ पैरों को मोड़कर सोते हैं, नरम गदों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये सभी तरीके गलत होते हैं। क्योंकि जब हम उल्टे सोते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमें तनाव पैदा होता है। जब हम नरम मखमल के गद्दे पर सोते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जो कि तनाव पैदा करती है। कई बार तो हम अपने सिर के नीचे मोटे तकिए का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हमारी गर्दन अकड़ जाती है। इन सभी तरीकों से सोने से हमें तनाव पैदा होता है और हमें ठीक से नींद नहीं आती है। इसीलिए हमें सदैव सोने के लिए सही तरीके से सोना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का पांचवा कारण बताते हुए कहा कि बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करना, और ऐसा भोजन करना जो देर से पचता हो। हम लोगों को यही पता नहीं है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए और कितना भोजन करना चाहिए। हम तो रात को उठ के भोजन कर लेते हैं, जबकि हमें भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। जहां आप 3 रोटी खाते हैं वहां आपको 2 ही रोटी खानी चाहिए, क्योंकि रात को हम भोजन करने के उपरांत कुछ भी कार्य नहीं करते हैं और बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, तो हमारा वो भोजन पचता नहीं है, और जब हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है, और हमें कभी भी तला भुना हुआ भोजन भी रात को नहीं खाना चाहिए। मगर अक्सर हम लोग तो रात को ही अपना मुख्य भोजन खाते हैं, शादी समारोह में जाकर खूब तला भुना हुआ भोजन करते रहते हैं, जबकि तला हुआ भोजन देर से पचता है। इसीलिए हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो रात भर हमारा पाचन तंत्र उसी भोजन को पचाने में लगा रहता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव रहता है और हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं।
फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का छठा कारण बताते हुए कहा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, सारे दिन हम उनको पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, और जब हम रात में सोते हैं तब भी हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं कि कल मुझे यह काम करना है, कल मुझे वह काम करना है, और फिर उस काम को कैसे करना है, यही सब हम सोचते रहते हैं। जबकि सोने से पहले हमें इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, अपने बाहर के कामों को बाहरी छोड़ देना चाहिए, सोते समय उन्हें अपने साथ लेकर नहीं सोना चाहिए। लेकिन अक्सर सभी लोग अपने मन में इतना बोझ लेकर सोते हैं तो फिर गहरी नींद कैसे आएगी। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का सातवां मुख्य कारण बताते हुए कहा कि नशा, बहुत से लोग सोने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे यही चीजें उन लोगों की आदत बन जाती है, और जब तक वो नशा नहीं करते हैं तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती है। इसीलिए हमें कभी भी नींद लेने के लिए नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है, हम पूरे दिन चिड़चिड़े बेचैन रहते हैं, हमें बस शराब तंबाकू यही दिखती रहती है, जिससे ना तो हम दिन में ठीक से रह पाते हैं और ना ही रात में ठीक से सो पाते हैं। गौतम बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद सेठ बोला कि बुद्ध, मुझे यह तो समझ में आ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, पर बुद्ध आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध सेठ को कुछ नियम बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सोने से पहले जो भी भोजन करो वो भोजन हल्का होना चाहिए, जैसे कि पाचन तंत्र आसानी से पचा सके, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप तला भुना भोजन खाते हो तो उसे सोने से 3-4 घंटे पहले ही खा लो, जब आप सो तब तक वो भोजन पच जाए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम सोने जाओ उससे पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो इससे हमारी त्वचा की गंदगी ही साफ नहीं होती, हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। जब हम चिंता या फिर तनाव में होते हैं तो स्नान करने से हमारी सारी चिंता समस्या दूर होती है, हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है, जिससे हमें आसानी से नींद आ पाती है। हमारे शरीर में 70% पानी है, और जब हम इस पानी में स्नान करते हैं हमें सुकून मिलता है, ऐसा अनुभव होता है कि यह त्वचा की सफाई से परे है, हमें बहुत शांति का आभास होता है। इसीलिए सोने से पहले जब हम स्नान करते हैं तो हमें अच्छी और गहरी नींद आती है, और सोने से पहले हमें जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से उस कमरे में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस प्रकार से वह दीपक जलता है और पूरे कमरे में रोशनी करता है, उसी प्रकार जब आप सोओगे तो आपके भीतर भी एक दीपक प्रज्वलित होगा और आपको सकारात्मक भाव से भरे रखेगा, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले तुम्हें अपने सारे विचार खत्म करने होंगे। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने व्यवसाय के कामों को घर के बाहर ही छोड़कर आना है। वहीं पर यह निश्चय कर लो कि बस अब हो गया, कल मैं यहीं आकर वापस करूंगा, अब मैं घर जाकर भोजन करके परिवार के साथ बातचीत करके मस्त सोऊंगा, जिससे तुम्हारे मन में फिर बाहरी विचार नहीं आएंगे। और जब तुम सोने जाओ तो उसे पहले ध्यान कर लो। ध्यान करने से हम अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाते हैं, जिससे सोते समय हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और हम अच्छी नींद ले पाते हैं। साथ ही सोने से पूर्व तुम योगा भी कर सकते हो। योगा करने से शरीर में स्फूर्ति होती है, तुम्हारे दिन भर की थकान गायब हो जाती है और तुम्हें अच्छी और आरामदायक नींद आती है। और सोने से पहले तुम्हें अपने सभी काम समाप्त कर लेने चाहिए, ताकि जब आप सो तो आप आराम से सो पाओ, आपको यह न लगे कि मेरा वो काम रह गया। अगर ऐसा हुआ तो रात भर आपके मन में वही काम चलता रहेगा कि मेरा वह काम छूट गया। इसीलिए सोने से पूर्व अपने सभी काम खत्म करके सोए। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी, फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूं, बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता।
और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं, और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ, और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती, और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए, बौद्ध भिक्षु ने कहा। इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में जानना होगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बुद्ध ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देख बहाल करता था और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी नींद में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न ये नहीं है नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता, इसका असली कारण है मन। यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कहा है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन में जैसे कुछ भी बचता नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान नहीं केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं होती। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता के साथ सोता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यह तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से तरल में जागृत रह पाए तो कुछ घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सोचकर सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया कर आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर समझ सकूं। इस बात पर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं,
बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। गेम खेलना, मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, ये सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वही गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता कि यह सोने की जगह है और मुझे यहां सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही से गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों रात तक नींद नहीं आती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी भिक्षुक रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब ये लोग अपनी सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ वह सोने का काम करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहां पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो, कुछ भी और तुम्हें वहां करने की जरूरत नहीं है, तभी तुम्हें एक गहरी नींद प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद ना आने का दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय निर्धारित ना होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया सो लिए और जब मन में आया जाग लिए, इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने का समय निर्धारित ही नहीं कर पाते, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, इसीलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो, उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद ना आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं और इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं। और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है, उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी नींद में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और कुछ भी फालतू के विचार में लाओ। अपने दिमाग में कहने का मतलब यह है, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो अपने बारे में उस समय। और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचो ही ना, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। बौद्ध भिक्षु उस सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहते हो, पेट में गैस बनती रहती है,
जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ, रात के खाने को हल्का करो, ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। ये सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे, वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, वह सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो है आपके पास, उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफी है, और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। वरना यह छोटी सी जिंदगी है, इन्हीं सब में कब बीत जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है, तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उसी का आनंद उठाओ, तब तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकोगे और तुम्हारा मन शांति की खोज में कहीं भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है, तब भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिल पाएगी जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए पैसा कमाना भी जरूरी है ताकि तुम्हारी जरूरत की चीजें पूरी हो सके। लेकिन अगर तुम जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। नींद न आने का पांचवां कारण है चारों तरफ का अशांत माहौल। बुद्ध ने तो सेठ से कहा, जहां पर तुम सोने जाते हो चारों तरफ का माहौल शांत रखो। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक के जलने से तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय भी जब आप सोने जाएं तो लाइट आप बंद कर दें, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में एक दीपक जलते हुए रहने दें। उससे उस पूरे कमरे का एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। जब भी आप सोने जाएं तो टैब, रेडियो, टेलीविजन ये सब की आवाज बंद कर दें, ताकि सोने में कोई असुविधा ना हो। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को यह सारी बातें बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से जो कुछ खास सीखने को मिला था, आज तक उसने कहीं भी यह सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति भी हो रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा को दंडवत प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है, और घर आकर वह अपने घर वालों को भी यह सारी बातें बताता है। वह उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है, जिससे उसे गहरी नींद की प्राप्ति होती है। अब वह प्रतिदिन पहले से बहुत ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।